हेलो बच्चों, सीबीएसई के बच्चे तो अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं और बहुत धक धक भी हो रही होगी बच्चों को कि रिजल्ट कब आएगा, कैसा आएगा। लेकिन एक रिजल्ट की डेट कंफर्म हो चुकी है, सीबीएसई की तो नहीं हुई, और वो बोर्ड है हमारे देश का एक बड़ा बोर्ड, यूपी बोर्ड। यूपी बोर्ड में इस बार 10वीं और 12वीं के कुल मिलाकर कितने बच्चे थे बताओ, अंदाजा? एक बार आप सीबीएसई का बताओ। सीबीएसई का होगा 30-35 लाख, 5-1 लाख, 50 लाख, 50 लाख, 10वीं 12वीं मिला के। तो यूपी बोर्ड के 50 लाख के आसपास बच्चे हैं 10वीं और 12वीं के मिलाकर, तो उनका रिजल्ट 25 अप्रैल को आ रहा है। अभी ये मैं गुप्त सूत्रों के हिसाब से बता रहा हूँ आपको, यूपी बोर्ड ने कुछ बोला नहीं कि रिजल्ट कब देंगे, बट मेरे गुप्त सूत्रों के हिसाब से यूपी बोर्ड का 10वीं 12वीं का रिजल्ट 25 अप्रैल को आ रहा है, और अगर 10वीं का नहीं आया तो 12वीं का तो पक्का आ रहा है। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, यूपी बोर्ड हमारे देश के सबसे हार्ड बोर्ड्स में से माना जाता है, मतलब उसकी पढ़ाई बहुत हार्ड है। हालांकि उन्होंने काफ़ी अपने आप को सिंपलीफाई कर दिया है, पहले टाइम पर यूपी बोर्ड बहुत हार्ड था, पास होना मुश्किल था इसमें। इतना समझ लो कि अगर यूपी बोर्ड में कोई थर्ड डिवीज़न से पास भी हो गया ना, तो उसके गांव वाले, उसके घर वाले मिठाई बांटते थे, ढोल बजते थे, और अगर किसी की फर्स्ट डिवीज़न आ गई तो समझ लो पता नहीं बादशाह है वो। तो यूपी बोर्ड के बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा है, आप पास हो। सीबीएसई के कंपैरिजन में बहुत हार्ड बोर्ड है, सीबीएसई का रिजल्ट 90% तक जाता है 12वीं का, और यूपी बोर्ड का रिजल्ट 60-65% रहता है, 70%, अब पहले तो 20-25% ही आता था। तो चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऑल द बेस्ट। यूपी बोर्ड वाले बच्चे लाइक जरूर करें और कमेंट करें।